एंड यस वी हैव 500 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी वेरी मच. आप ऐसे ही अपना सपोर्ट एंड प्यार मुझे देते जाइएगा और आप लाइक तो कर लीजिए, करिए. आज मैं पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बात तक पता नहीं आप देखते हैं या नहीं देखते, क्योंकि लाइक तो आते हैं ही नहीं, इसलिए लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है. और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और हाँ, सब्सक्राइब एक ही बार होता है, बार बार करेंगे ना तो अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा. तो आप एक ही बार सब्सक्राइब करिए, लाइक हर बार करिए. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडे वी हैव कीनू और आज हम बनाएंगे कीनू का जूस, बट वो भी विदाउट जूसर. मैं बनाऊँगी मिक्सर में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम इसको पील करेंगे. यहाँ पर मैंने 1 किलो करीब कीनू लिया है, इसको पील कर लेते हैं. जितना भी एक्स्ट्रा रेशा सा निकल रहा हो इसको हटा लीजिए. एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसको बीच में से ऐसे हाफ करना है. तो ये जो इसका बीच वाला सेक्शन है ना, ये आपको क्लियरली दिखने लगेगा. तो बस आपको इसके बीच रिमूव कर लेना है एक स्पून की मदद से या नाइफ की मदद से, इस तरीके से. हल्के हल्के हाथों से ताकि पल्प ना वेस्ट हो. ऐसे इस वाले पीस के निकालेंगे. देखा गाइस, बीज निकालना कितना इजी है इस मेथड से. आपको क्या करना है, इसको 3 या 4 पीसेस में चॉप कर लेना है. और अगर अभी भी बीज दिखे तो आप निकाल सकते हैं. बस अब सीधे इसको डालिए जार में. और ऐसे ही मैं अपने सारे कीनों को साफ करके डिसीट करके फटाफट से जार में डाल देती हूँ. क्योंकि अगर सीड चले जाएंगे तो कड़वाहट रहेगी ना. तो देखिए अच्छे खासे सीड्स निकल चुके हैं. गाइज ये रहे हमारे पील ऑरेंजेस. नाउ इनटू दिस आई विल ऐड ब्लैक सॉल्ट. तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. यहाँ मैं डालूंगी अराउंड 1 टीस्पून. गाइज इट्स डन, लेट्स चेक द जूस. बट बिफोर पोरिंग इनटू द ग्लास आई विल स्ट्रेन इट. सो हियर आई हैव अ बिग बोल एंड मैं इसमें पोर करती हूँ. इसको बस अच्छे से छान लीजिए. और अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी को सेट भी करेंगे कि काफ़ी गाढ़ा है. हियर आई हैव 1/2 लीटर ऑफ वाटर, सो पोर इनटू द जार. को भी ये जो सारा पल्प है इसके ऊपर से ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल भी जूस बचना नहीं चाहिए. दैट्स इट. हियर इज योर कीनू जूस, वो भी विदाउट जूसर. लुक एट योर हाउ ब्यूटिफुल इट इज. तो आई एम जस्ट पोरिंग इट इनटू द ग्लास. गाइज इफ यू वॉन्ट देन आप इसमें 3-4 टेबल स्पून शुगर डाल सकते हैं, बट आई डोंट वॉन्ट टू एड आर्टिफिशियल शुगर इन टू दिस जूस. और आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू बहुत टेस्टी है. सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर.